हेलो फ्रेंड, लास्ट क्लास में हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बहुत अच्छे तरीके से सीखा था। हमने पहले एक इंटरफेस लिया था, दो मीडियम लिए थे और किस तरह से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट होता है इस चीज़ को सीखा। आफ्टर दैट हमने तीन मीडियम लिए और दो इंटरफेसेस लिए, जैसे कि वाटर, एयर और ग्लास। इस तरह से उन तीनों में भी हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया और फाइनली ये पाया कि लाइट जो फर्स्ट मीडियम से आती है और फाइनल जिस मीडियम में जाती है, तो उसके लिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए आपको दोनों रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, दोनों इंटरफेसेस के रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। नाउ अब हमने ये तो समझ लिया कि लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, लाइट की स्पीड होगी और कैसे कैलकुलेशन होगा, इस चीज को भी समझ लिया। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं समझा है कि बेसिकली लाइट अगर बेंड होती है, रिफ्रैक्शन में हमने कहा कि लाइट बेंड होती है, अगर लाइट बेंड होती है तो किस डायरेक्शन में बेंड होती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल अभी तक हमने सॉर्ट आउट नहीं किया है। कल हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस को सीखा था, तीन लॉ बताए थे, उसमें मैंने कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ है वो स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में एक रिलेशन बना के देता है। इस रिलेशन के मदद से ही हम ये बता पाएंगे कि लाइट बेंड होती है तो किस तरफ बेंड होती है, किस डायरेक्शन में बेंड होती है। रिफ्रैक्शन होता है, हमने कहा था कि लाइट भटक जाती है अपने पाथ से, लेकिन भटकने के लिए भी तो किस तरफ भटके। फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, मतलब हम मानते हैं कि लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, ऐसा एक मान लेते हैं। तो लेट्स से दिस इज द इंटरफेस जिसे हम एक्स वाई नाम दे देते हैं। इस एक्स वाई के ऊपर मैं मान लेता हूं दिस इज मीडियम वन और एक्स वाई के नीचे इस मीडियम टू, और हम मान लेते हैं कि मीडियम वन इज रेयर एंड मीडियम टू इज डेंसर। ओके, ये भी मान लिया, और क्या मान सकते हैं? अब किसी भी मीडियम की अगर हम बात करेंगे तो हमेशा याद रखिए किसी भी मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए आपको तीन चीजें बतानी है। एक तो नाम दे दिया मीडियम कौन सा है, ओके। दूसरी चीज ये बता दिया कि वो ट्रांसपेरेंट है कि नहीं। ट्रांसपेरेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिफ्रैक्शन नहीं होगा अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो, और वो रेयरर है कि डेंसर है, ओके। कंपेयर टू अदर मीडियम वो रेयरर है कि डेंसर है, और क्या बताना है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप रिफ्रैक्शन के बारे में सोचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमेशा यूज करें, ओके। सो हम मान लेते हैं कि मीडियम वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन वन और मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन टू, ठीक है। दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमने अज्यूम कर लिए। नाउ व्हाट, नाउ हम अज्यूम करते हैं कि एक लाइट रे कुछ इस तरह से आते हुए मीडियम वन और मीडियम टू के इंटरफेस पे स्ट्राइक करती है। लेट्स से दिस लाइट रे इज ए ओ, हमने इसको ए ओ मान लिया और दिस इज ओ। सो ओ इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब हमने ये पढ़ा था कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आप एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, तो ठीक है हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस। दिस इज लेट्स से एम एन। एम एन क्या है? एम एन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल है, ओके। नाउ फिर हमने पढ़ा था कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस।
दैट इज आई एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड अब क्या होगा, अब ये रे इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बाद मीडियम टू में ट्रेवल करने लगेगी। इट मीन्स जब वो मीडियम टू में एंटर करेगी उसकी स्पीड में चेंज आएगा, और स्पीड में चेंज आएगा तो उसमें रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि रिफ्रैक्शन होगा, हमने तो ये तो समझ लिया, मतलब लाइट का जो ये वाला पाथ है, जिस पाथ पे ये चल रही है ऐसा स्ट्रेट, लाइट रे इस पाथ पे तो नहीं जाने वाली, वो किसी ना किसी और पाथ से ही ट्रेवल करेगी। अब लाइट इस तरह से चली जाती तो हम कहते कि रिफ्रैक्शन तो हुआ ही नहीं, तो क्या लाइट इस तरफ जाएगी, क्या लाइट इस तरफ जाएगी, मींस ऐसा बेंड होगी या ऐसा बेंड होगी। ये सवाल हमें स्नेल्स लॉ से ही मिल पाएगा, इस सवाल का जवाब स्नेल्स लॉ से ही मिल पाएगा। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में बनने वाला एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बनने वाला एंगल इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, सो हम मान लेते हैं सपोज कि जो लाइट रे है, जो लाइट रे रिफ्रैक्ट होने वाली है, वो रिफ्रैक्ट होके या तो इस तरह से चली जाएगी या फिर इस तरह से चली जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि लाइट रे जो है वो रिफ्रैक्ट होके या तो इस पाथ से जाएगी ऐसी, या फिर इस पाथ से जाएगी। तो दोनों ही केसेस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ ना कुछ तो बनेगा। ओके, सो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है उसे हम मान लेते हैं इट इज आर। सो कैन आई राइट कि एंगल ऑफ इंसिडेंस is I angle of refraction is R। तो angle of incidence I हो गया, angle of refraction को हमने R दे दिया। Now according to the Snell's law can I write, अब क्योंकि light medium 1 से medium 2 में जा रही है तो medium 1 के लिए Snell's law क्या होगा, medium 1 के लिए हम लिख देते हैं for medium 1 एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई एंड साइन ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज एन वन, सो आई एन वन इंटू साइन आई, दिस इज फॉर मीडियम वन विच इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। देन फॉर मीडियम टू मीडियम टू के लिए क्या होगा, अब लाइट रे यहां से टकरा के मीडियम टू में चली गई, तो सेम चीज जो हमने मीडियम वन के लिए लिखी वही चीज मीडियम टू के लिए भी होगी, बस एंगल ऑफ इंसिडेंस बदल जाएगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा। इस वक्त अगर हम देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, हमने कल स्नेल्स लॉ में डिस्कस किया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी आर, दिस एंगल आर। सो फॉर सेकेंड मीडियम आई विल राइट एन टू साइन आर इज अ कॉन्स्टेंट, एन टू साइन आर इज अ कॉन्स्टेंट। नाउ वॉट, अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया है कि एन वन साइन आई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एन, एन टू साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। नाउ स्नेल्स ने कहा था कि ये दोनों सेम होते हैं, कॉन्स्टेंट तो है, सो अगर ये दोनों सेम है सो वी विल राइट कि एन वन साइन आई इज इक्वल्स टू एन टू साइन आर, एन वन साइन आई इज इक्वल्स टू एन टू साइन आर।
देन थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं। रीअरेंजमेंट में हम एन वन को नीचे ले जाते हैं, साइन आर को इधर नीचे ले आते हैं, तो साइन आई के साथ अपॉन साइन आर हो जाएगा, सॉरी साइन आई साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू एन टू अपॉन एन वन इज इक्वल्स टू एन टू अपॉन एन वन। नाउ वॉट, अब हमने कहा कि जो सेकेंड मीडियम है वो डेंस है, वो डेंसर मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। जो रेयरर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, मीडियम वन वो थोड़ा सा ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। सो इट मीन्स कैन आई से कि एन टू और जो होगा वो एन वन से हमेशा ही बड़ा होगा। वी कैन से एन टू इज ग्रेटर देन एन वन, एन टू हैज टू बी ग्रेटर देन एन वन। रीजन, ये एक डेंसर मीडियम है, ये एक रेयरर मीडियम है, सो डेंसर और रेयरर में ये एक रिलेशन है। अब क्योंकि एन टू एन वन से बड़ा है, सो कैन आई से कि एन वन देयरफॉर एन टू अपॉन एन वन इज ग्रेटर देन वन। ये रिलेशन कैसे आया, आप एन वन को इसके नीचे ले आइए, सिंपल। ओके, अभी हमें इक्वालिटीज इनइक्वालिटीज में जाने की जरूरत नहीं, हमसे बेसिक मान लेते हैं कि एन वन को मैंने नीचे ले आया इसीलिए ये हो गया। जैसे कि ये फोर है तो ये थ्री है, अगर ये फाइव है तो ये 4.5 है। तो हमेशा आप देखेंगे कि जो रिलेशन होगा वो एन टू अपॉन एन वन का वो वन से बड़ा ही होगा, जो डिविजन इन दोनों का होगा इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन वन। सो इट मीन्स अगर हम इसको इस एक्सप्रेशन को साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू एन टू अपॉन एन वन को इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करें, सो यू विल फाइंड कि क्योंकि एन टू अपॉन एन वन बड़ा है किससे, वन से, और साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो एन टू अपॉन एन वन के बराबर है। सो इट मीन्स हम लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन वन दे देते हैं, इक्वेशन वन इज टू, सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी विल गेट एन साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू एन टू अपॉन एन वन विच इज ग्रेटर देन वन, विच इज ग्रेटर देन वन। ओके, सो इट मीन्स आई कैन राइट दिस ऑल्सो कि साइन आई अपॉन साइन आर इज ग्रेटर देन वन, साइन आई अपॉन साइन आर इज ग्रेटर देन वन इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर। सिंपल मैथमेटिक्स को यूज करके हमने एक ये वाली एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई किया, ये एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया, एंड यू कैन सी दिस डेरिवेशन इज वेरी बेसिक। आपको सिर्फ स्नेल्स की बात माननी है, स्नेल्स बाबा ने जो कहा था वो सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो स्नेल ने कहा कि ऐसा ऐसा होता है, तो हमने मान लिया कि ठीक है ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है। फिर उसने कहा कि ये करके ये भी होता है, तो हमने मान लिया कि ठीक है ये भी होता है। फिर उसने कहा कि ये भी होता है, तो ठीक है ये भी मान लिया। उसके बाद ये देखा, हाँ ये होता है, ये स्नेल ने नहीं कहा लेकिन किसी ने कहा था, तो ये होता है ये मान लिया। देन उसके बाद इसको और इसको लेके ये मान लिया, ये मानने से ये हुआ और फाइनली ये हो गया। तो ऐसा होते होते फाइनली हम इस एक्सप्रेशन पे आके पहुंच गए। नाउ साइन आई और साइन आर, अगर मैं साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर लिखता हूँ, इट मीन्स जैसे आपने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि अगर मैं एंगल को बढ़ाता हूँ तो साइन उसका साइन भी बढ़ता जाता है, साइन ऑफ एनीथिंग बढ़ता जाता है। कोसाइन में क्या होता है, कोसाइन में जस्ट उल्टा होता है, आपने जीरो से लेके 90 तक एंगल को अगर आप बढ़ाते जाओगे तो आप देखोगे कि कोसाइन का वैल्यू गिरता जाता है। फॉर एग्जाम्पल साइन ऑफ 0 डिग्री इज 0, साइन ऑफ 90 डिग्री इज 1, ये बढ़ गया। अगर मैं कॉज ऑफ 0 डिग्री लूं तो वो 1 होता है, और साइन कॉज ऑफ 90 डिग्री लूं तो वो 0 होता है। तो हम क्या कहते हैं कि इफ एंगल इंक्रीजेस देन इट्स साइन
ऑल्सो इंक्रीजेस या फिर साइन ऑफ एंगल ऑल्सो इंक्रीजेस. सो वी कैन राइट दिस, वी विल से इफ एनी एंगल इंक्रीजेस देन साइन ऑफ दैट एंगल ऑल्सो इंक्रीजेस. तो कोई एंगल अगर बढ़ेगा तो उसका साइन भी इंक्रीज होता जाएगा. सो इट मीन्स यहां पे साइन आई और साइन आर में रिलेशन कैसा है, साइन आई बड़ा है साइन आर से. सो इट मीन्स क्या होगा, देयर फोर वी कैन से दिस इज लेट से इक्वेशन नंबर फोर. देयर फोर वी विल से देयर फोर आई इज ग्रेटर देन आर एंड वी विल राइट दिस फ्रॉम इक्वेशन फोर. तो फोर्थ इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज्यादा होगा. दैट साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर देन देयर फोर आई इज ग्रेटर देन आर. तो अब अगर हम देखें तो वो कह रहा है कि जो आई है वो बड़ा है एंगल आर से. अब डायग्राम में एंगल आई कौन सा है, एंगल आई जो इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में है, मतलब ये वाला एंगल, ये बड़ा है किससे, रिफ्रैक्शन एंगल से. तो अगर लाइट इसी पाथ को फॉलो करते हुए चली जाती, स्ट्रेट चली जाती, तो हम देखते कि यहां पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो ये वाला फॉर्म होता और ये एंगल इसके बराबर होता. व्हाई, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब लाइट अगर इस तरह से मूव कर रही है और वो कहना चाह रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कम है, वो छोटा है, छोटा है, इट मींस क्या लाइट ऐसी ट्रेवल कर रही होगी, नहीं. जब एंगल छोटा हो गया इट मींस जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के और करीब आ गई, नॉर्मल के और पास आ गई. हम देख सकते हैं ये ऐसी थी लाइट. अब मैं इसको अगर दूर लेके जाता हूं ऐसा, तो नॉर्मल से इसका जो एंगल है वो बढ़ता जा रहा है, आप देख सकते हैं धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. और फाइनली जब मैं इसको धीरे धीरे नीचे लेके आता हूं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है. जैसे जैसे एंगल कम हो रहा है वैसे वैसे ये नॉर्मल के करीब आते जा रही है. इट मींस जैसे जैसे नॉर्मल के करीब आएगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होता जाएगा. तो अगर हम इस डायग्राम में बताना चाहें कि कौन सी इन तीनों में से कौन सी रे रिफ्रैक्टेड रे है, सो वी विल से दिस वन, दिस इज द फाइनल रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस एंगल विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज आर. मतलब जब भी इंटरफेस ऐसा होगा कि लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तो हमेशा रिफ्रैक्शन के केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम हो जाएगा. मतलब जब भी लाइट का रेयरर से डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्शन होगा वी विल से लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. आप देख सकते हैं नॉर्मल की तरफ मूव हो गई. सो कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं हम, कंक्लूजन व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल. सो हम लिख सकते हैं कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. जब भी लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी तो उसका जो बेंडिंग होगी, जो उसका पाथ का भटकना होगा, वो टूवर्ड्स द नॉर्मल होगा, मतलब वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी. ओके, तो ये किस केस में हुआ, व्हेन लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम. ओके, यू कैन नोट दिस. ओके,
हमने अभी देखा कि लाइट अगर एक रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसका जो बेंडिंग होती है वो टुवर्ड्स नॉर्मल होती है, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो जाता है कंपेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन अगर लाइट अपोजिट जाए, उल्टा जाए, तो क्या होगा? हाँ, ऑब्वियस ही बात है। अब देखिए, जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो क्या हो सकता है, लाइट रे या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी या टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। दो ही रास्ते हैं उसके पास, अपने पाथ को तो फॉलो नहीं करेगी, ये तो पक्का है, लेकिन बेंड तो होना ही है। किस डायरेक्शन में? हमने देखा कि रेयरर टू डेंसर में तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, तो इसका मतलब डेंसर टू रेयरर में उल्टा होना है। कैसा? इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। चलिए उस चीज को डिराइव करके देखते हैं कि वो कैसे रिलेशन आएगा। सो अगेन लेट अस अज्यूम दिस इज द एक्स वाई इंटरफेस। इस इंटरफेस के ऊपर मीडियम वन है, नीचे मीडियम टू है। मीडियम वन रेयरर है, सॉरी मीडियम वन जो है वो डेंसर है, और मीडियम टू रेयर है। एंड वॉट? अब हमने मीडियम बता दिया कि वो डेंसर है या रेयरर है, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेट से एन वन मान लेते हैं, इस मीडियम का एन टू मान लेते हैं। लाइट रे कुछ इस तरह से आके इसको स्ट्राइक करती है, दिस इज ए, दिस इज ओ। ओ इज अगेन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड हम इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज एम एन, एम एन इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आफ्टर दैट रिफ्रैक्शन होगा। सो अगेन हम रिफ्रैक्शन के जो भी पॉसिबल पाथ हैं, जिस डायरेक्शन में भी लाइट रिफ्रैक्ट हो सकती है, उनको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज अ स्ट्रेट पाथ कि हो सकता है लाइट स्ट्रेट जाए, देन लाइट ऐसी मूव कर सकती है। तो लाइट इन दोनों में से किसी भी पाथ पे मूव कर सकती है। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को अगेन हम अज्यूम कर लेते हैं। सो हमने ये देखा कि मीडियम वन डेंसर है, मीडियम टू रेयरर है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किस में होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इन मीडियम वन विच इज आई, हमने उसको नाम दे दिया आई। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? आर। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किस में है? मीडियम टू में। फॉर मीडियम वन, मीडियम वन के लिए क्या मैं लिख सकता हूं? एन वन साइन आई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, हमने अभी पढ़ा था अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ। देन मीडियम टू के लिए एन टू साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ओके। देन एन वन साइन आई इज इक्वल्स टू एन टू साइन आर, इसको रीअरेंज करेंगे एंड यू विल गेट साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू एन टू अपॉन एन वन। बट एन टू इज लेस देन एन वन, क्या है? N2 N1 से छोटा है। क्यों छोटा है? बिकॉज N2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम, N1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। सो ऑब्वियस ही बात है कि N1 ज्यादा है, N2 कम है। सो इट मींस आई विल से कि N2 अपॉन N1 इज लेस देन 1। बिल्कुल पिछले बार की तरह कंक्लूजन निकाला, बस कंडीशन थी कि डेंसर टू रेयरर जा रहा था इस बार, सॉरी रेयरर टू डेंसर जा रहा था इस बार, डेंसर से रेयरर में मूव कर रहा है। सो इट मींस ये कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन आया, मतलब एन टू अपॉन एन वन जो है वो वन से छोटा है, तो एन टू अपॉन एन वन और साइन आई अपॉन साइन आर, इसको हम इस तरह से अरेंज करके लिख सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर
इज इक्वल्स टू एन टू अपॉन एन वन विच इज लेस देन वन. देयरफॉर साइन आई अपॉन साइन आर इज लेस देन वन. देयरफॉर साइन आई इज लेस देन साइन आर विच इंप्लाइज, अभी हमने पढ़ा था कि साइन जो होता है किसी भी एंगल का, वो एंगल बढ़ता है तो साइन भी बढ़ता है, एंगल कम होता है तो साइन भी कम होता है. तो यहाँ पे आई एंगल का, इंसिडेंस एंगल का साइन और रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टन रिफ्रैक्शिंग एंगल का साइन निकाला हमने. तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो साइन है वो बड़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो साइन है वो छोटा है. इट मीन्स दोनों एंगल्स में भी सेम रिलेशन होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा. रिफ्रैक्शन एंगल इज ग्रेटर कंपेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो इट मीन्स अगर ये लाइट ऐसा मूव कर रही है तो अगर बिना रिफ्रैक्शन के होती तो ये बिल्कुल सीधी चली जाती, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी इस तरह से हो रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा है. अगर ये बड़ा है तो इट मीन्स लाइट ऐसे जाते हुए ऐसे तो मूव नहीं कर सकती इस डायरेक्शन में, क्योंकि जब ये ऐसा मूव करेगी नीचे की तरफ आएगी तो हम देखते हैं कि वो नॉर्मल के और पास आती जाएगी, तो उससे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और कम होता जाएगा. लेकिन ऐसा तो रेयरर टू डेंसर में होता है, लेकिन यहाँ तो क्या है, डेंसर टू रेयरर. इट मीन्स लाइट रे ऐसी जाते जाते इस डायरेक्शन में मूव कर रही है ऊपर की तरफ, इट्स गोइंग लाइक दिस एंड देन दिस. तो इस तरह से रिफ्रैक्शन हो गया. सो यहाँ पे हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो कौन सा है, वो ये वाला एंगल होगा, द ग्रेटर एंगल. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर वन. सो वी कैन से व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके, सो सेम कॉन्क्लूजन वी कैन राइट. What we can write in conclusion, we can say light will bend away from normal. Light will bend away from the normal. So, हमने दोनों केसेस देख लिए कि जब लाइट एक रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होती है. अगर लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होती है. लेकिन क्या रिफ्रैक्शन हर बार होता है, हमेशा होता है? तो आप कहोगे हाँ, मैंने ही तो बताया आपको कि हाँ रिफ्रैक्शन होगा जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है. ओके, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि रिफ्रैक्शन होता है लेकिन आप उसे देख नहीं पाते, आप जज नहीं कर पाते कि लाइट में रिफ्रैक्शन हुआ है कि नहीं. वी विल सी दिस केस. ओके, सो फर्स्ट नोट दिस, आफ्टर दैट हम ये जानने की कोशिश करेंगे, इस मैजिक को समझने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसा हो कैसे रहा है कि रिफ्रैक्शन हो भी रहा है और आप देख नहीं पा रहे. सो फर्स्ट यू कैन नोट दिस,